हेलो दोस्तों, आज मैं एक क्यूब सॉल्व करने वाला हूं। ये शायद मैंने पिछले 2 साल पहले सीखा था और इसकी प्रैक्टिस अभी छूट गई है। देन आफ्टर आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। और ये क्यूब का क्वालिटी क्या है? अच्छे क्वालिटी का क्यूब है। रूबिक्स पर के नाम के एक इंजीनियर ने ये क्यूब ढूंढा था। और ये क्यूब की क्वालिटी ये है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप इस क्यूब को सॉल्व करते हो तब आपका डे बाय डे डिसीजन पावर बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। और आप लाइफ में इसका यूज़ क्या है? कई लोग कहते हैं कि क्यूब सीख के हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा। क्यूब करने से आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, पर क्यूब सीखने से आपका फोकस, कंसंट्रेशन और मोटर स्किल्स बढ़ता है, मतलब हाथ घुमाने की एबिलिटीज बढ़ती है, और जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। सॉल्व कर रहा हूँ और इसे मैं एक नए तरीके से कर रहा हूँ। उसे कहते हैं F2L, डायरेक्ट। पहले 2 लेयर कैसे डायरेक्ट सॉल्व करना है, ऐसे एक और तरीका है कि पहले नीचे प्लस बनाओ, प्लस बनाने के बाद उसको और सॉल्व करो। पर ये एक नया तरीका है जिसके अंदर डायरेक्ट पहले 2 लेयर सॉल्व करता हूँ। मेरा क्यूब सॉल्व होने को आया है। वेट, ओके, सो मेरे पहले 2 लेयर बन गए हैं। फाइनल लेयर की हेडलाइट एक बन गई, एक हेडलाइट बाकी है। थिंकिंग को एक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे फॉर्मूलाज जानते हैं। हम जीवन में बहुत सारे फॉर्मूलाज या बहुत सारी नॉलेज जानते हैं, पर इस नॉलेज को अप्लाई करने के लिए आपको बॉडी का भी सहारा लेना होगा। इससे आपका थिंकिंग प्रोसेस फास्ट होती है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फास्ट होती है, और आप चीज़ों को कैसे एक्शन ले सकते हैं। आपको कभी कभी पूरा पता चलता है कि RU RSU ये सब फॉर्मूलाज है, पर इन सब फॉर्मूलाज आपका थिंकिंग है, और इस थिंकिंग को एक्शन में कैसे लाओगे। ये आपका डिसीजन पावर्स बढ़ाता है। तो बहुत सारे बच्चे मेरे साथ, मैं और मेरी टीम, बहुत सारे बच्चों और बहुत सारे स्कूल में ये रूबिक्स क्यूब सिखाते हैं, जिससे बच्चों का कंसंट्रेशन और डिसीजन पावर्स बढ़ता है। आप भी अगर आपके वहाँ कोई इंस्टीट्यूट में ये कोर्स सिखाना चाहते हो तो हमें ज़रूर कॉन्टेक्ट करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विथ मी।